नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन क्या किसी को इस प्यार में इतनी आजादी मिलनी चाहिए कि किसी की हत्या कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 13 साल पहले हुआ एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो प्यार में सब कुछ जायज है इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया था। शबनम और सलीम उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पावन खेड़ी में रहने वाले दो ऐसे लोग जो एक दूसरे की मोहब्बत में इतने पागल हुए कि इन्हें 7 लोगों की हत्या करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। पिछले साल शबनम की दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था और अब शबनम भारत की वो पहली महिला होंगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। 15 अप्रैल 2008 की वो घटना। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 15 अप्रैल 2008 को अमरोहा के बावन खेड़ी में अपने ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली थी। इन दोनों ने अपने इस प्यार को परवान चढ़ाने के लिए 7 लोगों को जिस तरह से मार डाला, वो कोई और नहीं बल्कि शबनम के अपने ही थे। प्यार में पागल शबनम ने अपनी माँ हाशमी, पिता शौकत अली, दोनों भाइयों अनीस और राशिद, एक भाभी अंजुम और मौसी की बेटी राबिया को मौत के घाट उतार दिया था। शबनम यही नहीं रुकी, उसने अपने 10 महीने की उस भतीजे अर्श की भी जान ले ली थी, जिसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। शबनम की उम्र उस समय 25 साल थी और वो सलीम से बहुत प्यार करती थी। जिस समय शबनम ने इस रोंगटे खड़े देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया, उस समय वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। उसके परिवार वाले सलीम के साथ रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसकी वजह से शबनम ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसका साथ सलीम ने दिया। दोनों ने पहले तो नींद की गोली शबनम के परिवार वालों को दी और फिर सबको कुल्हाड़ी से काट डाला। बिल्कुल किसी मर्डर मिस्ट्री से दिखने वाले इस केस में शबनम का पड़ोसी भी पुलिस को बेहोश मिला। शबनम ने पुलिस को बताया था कि कुछ चोर उसके घर में घुसे और उन्होंने चोरी की नीयत से परिवार वालों की हत्या कर दी थी। पुलिस इस बात को जानकर हैरान थी कि आखिर इस पूरे एपिसोड में शबनम को एक भी खरोंच नहीं आई थी। शबनम ने पुलिस को जानकारी दी कि वो छत पर सो रही थी और बारिश होने लगी तो नीचे आ गई। जब वो नीचे आई तो उसे मर्डर का पता चला। उस समय इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे अमरोहा के SHO RP गुप्ता। ऑफिसर को शबनम के बयान पर शुरू से ही शक था। पुलिस को जो बेडशीट्स मिली थी उस पर सिलवटे तो थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मृतकों ने मारे जाने से पहले कोई विरोध किया होगा या फिर उन पर कोई हमला हुआ होगा। SHO को शुरुआत से ही शक था कि जरूर मृतकों को कोई दवा दी गई है। उन्हें घर से नींद की गोली की पूरी एक खाली स्ट्रिप मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने SHO के शक को यकीन में बदल डाला। रिपोर्ट में नींद की गोली होने की बात थी, बस अर्श के शरीर में इस गोली का कोई भी सुराग नहीं मिला था। इसके अलावा पुलिस को शबनम के कपड़े भी मिले थे जिस पर खून ही लगा हुआ था। पड़ोसियों के आने पर शबनम ने अपने कपड़े बदल दिए थे। घर पर मिले मोबाइल ने खोला राज। इसके अलावा उसके घर से एक मोबाइल फोन भी मिला और इसी फोन ने सारे राज खोल डाले। शबनम की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता लगा कि उसने सिर्फ एक ही इंसान को मर्डर से पहले और मर्डर के बाद कॉल किया था और वो था सलीम, उसका प्रेमी। सलीम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वो कुल्हाड़ी जिसे कत्ल किया गया था वो भी ठीक उसी जगह मिली जहाँ उसने बताई थी। ये कुल्हाड़ी पुलिस को एक तालाब के किनारे मिली थी। 2010 में मिली मौत की सजा। साल 2010 में सेशन कोर्ट की तरफ से दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। साल 2013 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहीं साल 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को सही माना था। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेशन कोर्ट की तरफ से 6 दिन बाद ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। राष्ट्रपति की तरफ से भी शबनम की दया याचिका अब खारिज हो चुकी है। हत्याकांड की इस घटना के बाद गांव में किसी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग देते रहें। नमस्ते इंडिया।